हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी 3:30 के आसपास का टाइम हो रहा है और हम लोग पहुँच चुके हैं लोनावला। सो फाइनली अब की व्लॉग स्टार्टिंग में बता दिया है, हम लोग पहुँच गए हैं। मैंने आपका जो गेस था, बहुत सारे लोगों ने ठीक लगाया है, वो क्लियर कर दिया है। और पीयू देखिए यहाँ पे ऊपर सनरूफ में बहुत मज़े कर रही है, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग पहुँच ही गए थे तो कार बहुत स्लो स्लो वर्मा जी चला रहे हैं, जिससे कि पीयू आराम से वहाँ पर खड़ी हो सकती है। और वेदर यहाँ का बहुत अच्छा है। सो हम लोगों ने यहाँ पे, जैसा कि वर्मा जी ने बताया कि एक विला बुक कर रखा है, तो हाँ हम लोग विला ही जा रहे हैं। अंदर एंटर करें कर चुके हैं हम लोग लोनावला के। मैं आ गई हूँ, थोड़ा सा ही बस बाहर चारों तरफ का, थोड़ा स्लो चलना। ये देखिए छोटे छोटे से माउंटेन्स हैं, सामने का व्यू ऐसा है और सूरज ऊपर है, शाम होने वाली है। हम लोग इधर हैं, ये मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ मार्क्स बाई GSC एंटी एक्ने जेल का रिव्यू, जो कि बहुत अच्छा जेल है। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल एक्ने होते हैं और उसके मार्क हो जाते हैं, तो आप इस जेल को यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का तरीका बहुत ही ईजी और सिंपल है। आपको थोड़ा सा अमाउंट अपने हाथ में लेना है और अपने फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर लेना है और पूरे फेस पे इसको हल्के हाथों से मसाज करना है। जब वो एब्जॉर्व हो जाएगा तो आप इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ सकते हैं। अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसको दो बार यूज़ कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो 699 है। अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए इसके इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं। इसमें है नियासिनामाइड, सैलिसिलिक एसिड, एलोवेरा, ग्लाइकोलिक एसिड, जो कि सारे ही इंग्रेडिएंट हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इसका टेक्सचर एकदम जेल की तरह है और जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट है। तो इसमें साफ साफ मेंशन है ये आपके एक्ने को बिल्कुल क्योर करता है और आपकी स्किन को क्लीन ब्राइटन बनाता है। अगर आपके फेस पे ब्लेमिशेस हैं तो उसको भी दूर करता है। इस प्रोडक्ट में पैराबेन और सल्फेट नहीं है और ये 30 ग्राम का प्रोडक्ट है। तो इसमें टी ट्री ऑयल भी है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक्ने प्रोन स्किन के लिए टी ट्री ऑयल बहुत अच्छा होता है। और इसमें एप्पल साइडर विनेगर भी है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है। एलोवेरा आप सब जानते हैं हमारी स्किन के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है, दाग धब्बों को दूर करता है। सो आप चाहें तो आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। ट्यूब पैकेजिंग में आता है तो ट्रैवल फ्रेंडली है, इनकेस आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप इसको ले जा सकते हैं। इस प्रोडक्ट को मैन वुमेन कोई भी यूज़ कर सकता है। तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं और अगर आपको कुछ इरिटेशन वगैरह होती है तो आप इस प्रोडक्ट को छोड़ सकते हैं और यूज़ करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लें। ओके ओके, अरे वाह, तो गाना किधर है? गाना किधर है बोलो, अभी ये डांस कर देंगे। सो हम लोग यहाँ पे 4:30 बजे के आसपास पहुँच गए थे। थोड़ा ढूंढने में टाइम लग गया था क्योंकि ये जो विला है ये थोड़ा सा अंदर था, हम लोग ढूंढ रहे थे बट मिल नहीं रहा था, फिर मिल गया था। तो यहाँ पे हम लोग 7-8 फैमिलीज़ थे जो कि बहुत इंजॉय किए हैं, बहुत मज़े किए हैं। यहाँ पे शाम के टाइम में बच्चे लोग स्विमिंग पूल में भी खेल रहे थे। हम लोगों को भी बोला जा रहा था कि आ जाओ, तो मैं तो मना कर रही थी नहीं, क्योंकि ठंड यहाँ पर काफ़ी है और बच्चों के हिसाब से भी है। तो पीहू का भी मन हो रहा था जाने के लिए, सो मैं उसको लेकर के जा रही हूँ ऊपर चेंज कराने के लिए। तो आगे आप बने रहिए और देखिए कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। आज 31 की इवनिंग है अभी और इसके बाद नाइट का भी टाइम होगा। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही हूँ जहाँ पे, जिस विला में हम लोग रुके हैं। इधर हम हैं। हेलो, यस, कैसा लगा आपको? तो कैसा लगा आपको ये सरप्राइज हमारा? बहुत अच्छा, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, बच्चे भी बहुत सारे हैं। और अच्छा? मेरे को पता नहीं था स्विमिंग ड्रेस लेके आए क्या आप मेरी? मतलब कुछ रखा है स्विमिंग के लिए, तो मुझे नहीं लगता था कि तुम करोगी करके, क्योंकि ठंडी है ना, कंपैरेटिवली कोल्ड वेदर है। अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है। हाँ, प्लीजेंट वेदर है एकदम। बच्चे लोग तो नीचे स्विमिंग पूल में देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। मन हो रहा है जाने का? जाएंगे। चलो देखते हैं। चलो मेरा।
अभी यहाँ पे चेंज कर लिया है, मैंने टॉप चेंज किया है और वर्मा जी नीचे चले गए हैं। पीहू भी है, चलो भाई चलो चलो। तो पूल में गए हैं पर अभी ठंडक बढ़ रही है ना, इसलिए मैं मना कर रही हूँ जाने, पीहू को भी जाने से मना कर रही हूँ। कूदी मारो 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 कूदी मारो। तो गाइज आप देख रहे हैं कितना अच्छा वेदर हो रहा है और सब लोग मिल करके बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे पानी में थोड़ी देर पीहू गई तो थी बट मैंने फिर उसको थोड़ी देर में ही निकाल लिया था, ज़्यादा देर नहीं भेजा है। और अभी हम लोग यहाँ पे स्नैक वगैरह खा रहे हैं, इसमें पेटीज थी, कॉफ़ी थी, सो अभी वही शाम का स्नैक चल रहा है। इसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे गेम्स भी खेले हैं, सो स्टे ट्यून्ड, व्लॉग आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे कि मैं जब इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारा न्यू ईयर पार्टी देख सकें। तो यहाँ पे सारे बच्चे हैं और सबके पेरेंट्स भी हैं, मतलब सबके पापा लोग भी वॉलीबॉल खेल रहे हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है। आप लोग को कैसा लग रहा है? वर्मा जी भी कहीं इधर उधर होंगे ही, आप लोग नहीं शायद ये रिकॉर्ड ही वही कर रहे हैं इस समय, वर्मा जी के हाथ में ही ये फ़ोन है मेरा। मैं कैमरा मैन भी बन जाऊँगी। तो शाम का माहौल है और गाने वाने सब लग गए हैं, बस अब हमारा पार्टी टाइम स्टार्ट होने वाला है, गेम वगैरह सब हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग अंदर वाले रूम को जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो डेकोरेट भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ स्नैक आ गया है, वो बच्चे लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, चिप्स वगैरह हैं और जूस हैं, तो बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, मैं अभी ऊपर आ गई थी बालकनी से, नीचे का व्यू रिकॉर्ड कर रही थी। ये देखिए पीहू है, पीहू भी बच्चों के साथ बहुत इंजॉय कर रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था कि वो बच्चों के साथ बोल रही है, बात कर रही है, क्योंकि उसे जनरली बच्चे जल्दी मिलते नहीं हैं, वो हमेशा अलग अलग दूर दूर ही रही है बच्चों से। सो गाइस अभी शाम हो चुकी है और हम लोगों ने रैकेट खेला, वॉलीबॉल खेला, फुटबॉल, बड़ा मज़ा आया। पीहू को थोड़ी ठंड लग रही है तो मैं उसके लिए जैकेट लेके जा रही हूँ, चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे मैं वर्मा जी से कुछ अपना शायद फ़ोटो शूट करवा रही थी या फिर ये शायद मैं बुक लुक बुक तैयार करवा रही थी, तो वही यहाँ पे वर्मा जी मेरा रिकॉर्ड कर रहे थे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ना वॉल्यूम बंद कर दी थी क्योंकि पीछे से ना साउंड वगैरह चला दिया गया था, सो इसीलिए मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक बंद कर दिया है और आपको वॉइस ओवर के थ्रू बता रही हूँ। यहाँ देखिए फाउंटेन कितना बढ़िया चला दिया है, शाम होते ही इन्होंने फाउंटेन चला दिया था जिसका ये विला था, तो मैं तो बोलूँगी बहुत अच्छा विला है। इस विला का नाम है सिंह साहेब विला। किचन है और एक ये वॉशरूम है।
तो अगेन यहाँ पे भी म्यूज़िक आ रहा था, सो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, थोड़ा सा हाउस टूर दे रही हूँ। ये देखिए, ये है यहाँ पे हमारा पार्टी अभी होने वाली है, अभी हम इसको डेकोरेट करेंगे। सो ये काफ़ी बड़ा सा घर है और सब लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। एक यहाँ पे डॉगी भी था, तो यहाँ पे हम ही लोगों ने डेकोरेशन भी किया था, सब कुछ सामान वगैरह था। तो ये देखिए, हम लोग यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर का डेकोरेशन कर रहे हैं। सब लोगों ने बहुत अच्छा, मतलब अपना अपना पार्टिसिपेट किया था इसमें, बच्चे भी थे और हम लोग बलून वगैरह फुला करके अभी पूरा अच्छे से डेकोरेट करेंगे इसको। बिग बॉस रूम है, आ जाओ आ जाओ। व्यू ने अपनी जैकेट भी उतार रखी है। हे बिग बॉस हाउस, ये टेडी बाहर क्यों पड़ा है? ओह माय गॉड, आपका भी ये क्वेश्चन है। तो गाइज, इसके आगे का पार्ट मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, जो कि हमारी न्यू ईयर पार्टी का व्लॉग होगा। सो चलिए, इसी के साथ मैं इस व्लॉग को फिनिश करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।